Hello students, today we are going to start our new chapter, that is Central Islamic Lands, and our first topic is Rise of Islam in Arabia. आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि जो इस्लाम यानी इस्लाम धर्म था उसका राइज कैसे हुआ था अरेबिया में, तो उसकी हम सारे डिस्कशन करेंगे. कहते हैं ड्यूरिंग 612 232 BC का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में एक अरेबियन पर्सन हुआ करते थे. कौन हुआ करते थे? अरेबियन पर्सन हुआ करते थे जिनको हम प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से जानते हैं. ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे ये बाय लैंग्वेज यानी बाय वे ऑफ टॉकिंग, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सभी तरीक़ों से ये क्या थे? एक अरेबियन पर्सन थे. और जो इनका डेजिग्नेशन हुआ करता था यानी इनका जो पेशा हुआ करता था दैट इज़ मर्चेंट. ये एक मर्चेंट हुआ करते थे. तो जो अरब की कंडीशन हुआ करती थी इस टाइम पीरियड में, उस कंडीशन में क्या होते थे? अरब में डिफरेंट ट्राइब्स हुआ करती थी यानी छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे एरियाज हुआ करते थे. डिफरेंट ट्राइब्स होती थी ऑफ अरब्स जिसमें डिफरेंट पीपल्स रहते थे और वो क्या करते थे? डिफरेंट गॉड की वर्शिप किया करते थे. डिफरेंट गॉड वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड. यानी मैंने आपको क्या बताया कि ड्यूरिंग 612 to 32 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में इस्लाम क्या हुआ था? अराइज हो गया था. अरेबियन पर्सन हुआ करते थे एक जिनका नाम मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद था. वो बाय लैंग्वेज यानी वे ऑफ टॉकिंग, कल्चर, ट्रेडिशन से क्या थे? अरेबियन पर्सन थे. और वो एक मर्चेंट भी थे यानी उनका जो प्रोफेशन था वो मर्चेंट था. अरब में जो कंडीशन चल रही थी वो कैसी कंडीशन चल रही थी? अरब के जो पीपल हुआ करते थे वो डिफरेंट ट्राइब्स में बटे हुए थे और हर ट्राइब जो थी वो अपने ही भगवान को पूजा करती थी. यानी हर ट्राइब का अपना ही डिफरेंट गॉड हुआ करता था. तो ये जो प्रॉफिट मोहम्मद आए ना, कौन आए? प्रॉफिट मोहम्मद. उन्होंने ये कहा कि हमें क्या करनी चाहिए? एक सिंगल गॉड की वर्शिप करनी चाहिए. किसकी वर्शिप करनी चाहिए? सिंगल गॉड की वर्शिप करनी चाहिए जिसे हम क्या कहेंगे? अल्लाह कहेंगे. क्या कहेंगे? अल्लाह कहेंगे. इन्होंने ही क्या किया? सजेशन दिया. और वो सजेशन क्या था? कि हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए जो क्या हो? बिलीवर्स ऑफ गॉड हो. यानी ऐसे लोग हों जो भगवान में विश्वास करते हों, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे. यानी आस्तिक लोगों की हमें एक कम्युनिटी बनानी चाहिए. और उर्दू में उस कम्युनिटी को कहते हैं उम्मा. क्या कहते हैं? उम्मा. तो ये सारी बातें किसने कही? प्रॉफिट मोहम्मद ने कही. प्रॉफिट मोहम्मद ने देखा जो अरब था वो डिफरेंट ट्राइब्स में बटा हुआ था, वहाँ पर डिफरेंट गॉड्स को पूजा जा रहा था. तो उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ हमारे सबके भगवान क्या हैं? एक ही हैं. और हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए जिसे हम अल्लाह के नाम से जानेंगे. और हमें एक ऐसी सेपरेट कम्युनिटी बनानी चाहिए जिसमें वो लोग आएंगे जो बिलीवर्स ऑफ गॉड हुआ करेंगे. आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी. अब वहाँ पे जो अरब ट्राइब्स थी ना, अरब ट्राइब्स को वहाँ पे क्या कहा जाता था? कबीला कहा जाता था. क्या कहा जाता था? कबीला कहा जाता था. डिफरेंट कबीलाज के लोग हुआ करते थे, डिफरेंट भगवान को पूजा करते थे. इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि भगवान तो सभी के एक ही हैं, इसलिए हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसे हम अल्लाह के नाम से जानेंगे. और हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए जो भगवान में विश्वास रखती होगी. और उस कम्युनिटी को उर्दू में उम्मा कहा जाता है. उन्होंने कुछ उपदेश भी दी थी, शिक्षा वगैरह भी दी थी. तो उन्होंने जो प्रीचिंग्स दी थी यानी उपदेश दिए, जो शिक्षा दी
वो प्रीचिंग्स क्या थी उसके बारे में हम बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सबको डेली प्रेयर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? डेली प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर तो सभी करते हैं, लेकिन हमें डेली रूटीन में प्रेयर करनी चाहिए। और वहाँ पे डेली रूटीन में जो आपने देखा भी होगा, जितने भी मुस्लिम लोग हैं या जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो दिन में एक बार नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, यानी डेली प्रेयर ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें एक दिन में एक बार तो प्रेयर करनी ही चाहिए, और उस प्रेयर करने को क्या कहा जाता है? सलट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलट कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें क्या करनी चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ अल्म्स, यानी हमारे पास जितने भी चीज़ें हैं उसको आपस में बांट लेना चाहिए। उन्होंने कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स दिए थे, और ये भी कहा कि अब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, यानी हमें चोरी चकारी से बचकर रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, चोरी चकारी की बात क्यों आई, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं कि वहाँ पे अरब में क्या थे? कबीलास थे। और ये जो कबीलास थे ना, ये अपने सर्वाइवल के लिए, किसके लिए? अपने सर्वाइवल के लिए लूट्स किया करते थे। इंग्लिश में लूटपाट को लूट्स ही कहते हैं, लूट्स किया करते थे। इसलिए उन्होंने ये प्रीचिंग दी, ये उपदेश दी, ये शिक्षा दी कि हमें ये गलत काम छोड़ देना चाहिए, हमें चोरी चकारी से बचकर रहना है। तो कुछ शिक्षाएं उन्होंने दी थी, इसी वजह से उन्हें क्या कहा गया था? मैसेंजर ऑफ गॉड कहा गया था। यानी वो अपने आप को भगवान का दूत मानते थे। वो ये मानते थे कि भगवान उनको मैसेज देते हैं, और वो मैसेज वो आगे लोगों को ट्रांसफ़र किया करते थे। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? मैसेंजर ऑफ गॉड कहा गया। और उर्दू भाषा में उसे क्या कहा जाता है? रसूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसूल कहा जाता है। तो क्या हो गया था, जब ये सारी प्रीचिंग्स उन, अब देखो आपको भी कोई चीज़ सिखाएं, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर जाती है, मोटिवेट कर जाती है, तो आप भी क्या हो जाते हो? उस पर्टिकुलर इंसान से इंस्पायर्ड हो जाते हो। तो काफ़ी जो पीपल थे, मैनी पीपल जो थे, वो इंस्पायर्ड हो गए थे किससे? प्रॉफिट मोहम्मद से। किससे? प्रॉफिट मोहम्मद से इंस्पायर हो गए थे। और ये जो इंस्पिरेशन वाले लोग थे ना, यानी जो इंस्पायर्ड हुए थे लोग, वो कौन थे? वो ऐसे लोग थे हु वर सेपरेटेड फ्रॉम ट्रेड एंड रिलीजन। यानी वहाँ पे जो धर्म और व्यापार हुआ करता था, उन दोनों चीज़ों से इन लोगों को अलग किया जाता था। डिप्राइड ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड रिलीजन, ऐसे कम्युनिटी थी जो अपनी आइडेंटिटी को खुद ढूंढ रही थी। जो वहाँ के जो ट्राइब्स हुआ करती थी, उन्हें कोई वैल्यू नहीं करती थी। ऐसे जो लोग थे ना, वो प्रॉफिट मोहम्मद से काफ़ी इंस्पायर हुए थे। और उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है आज के टाइम में? मुस्लिम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुस्लिम। हमें तो अभी तक सिर्फ यही पता था कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं वो क्या होते हैं? मुस्लिम होते हैं। लेकिन असली मुस्लिम्स कौन होते हैं? जो प्रॉफिट मोहम्मद की प्रीचिंग से इंस्पायर्ड होते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मुस्लिम्स कहा जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग थे, वो स्पेशली कहाँ से बिलोंग करते थे? मक्का से बिलोंग करते थे। मक्का एक जगह का नाम है, मक्का से बिलोंग करते थे। और वो काफ़ी इंस्पायर्ड हो गए थे प्रॉफिट मोहम्मद से। और ऐसे लोग थे जो वहाँ की सोसाइटी ने उन्हें अलग ही कर रखा था। यानी जो लोग खुद अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे थे, उन्हें ना तो कोई ट्रेड में से प्रॉफिट दिया जाता था, यानी ना तो उन्हें ट्रेड का पार्ट बनाया जाता था, ना किसी रिलीजन का पार्ट। वो एक अलग ही कम्युनिटी हुआ करती थी जो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रही थी। उस आइडेंटिटी ने क्या, यानी उस कम्युनिटी ने प्रॉफिट मोहम्मद से इंस्पायर्ड होकर अपनी एक कम्युनिटी बनाई, जिसे हम उम्मा के नाम से जानते हैं। और उम्मा से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग होते हैं, दे आर कॉल्ड मुस्लिम्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मुस्लिम्स कौन होते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो एक अरेबियन थे। कौन थे? एक अरेबियन थे, अरेबियन बाय वे ऑफ टॉकिंग, अरेबियन बाय कल्चर, वो कल्चर से भी अरेबियन थे, अरेबियन बाय ट्रेडिशन।
यानी हर तरह से वो क्या थे, अरेबियन थे, और साथ ही साथ उनका जो प्रोफेशन हुआ करता था दैट इज़ मर्चेंट, वो एक मर्चेंट थे। ठीक है, तो जो ये प्रॉफिट मोहम्मद थे वो रहते कहाँ थे, वो मक्का में रहते थे, और मक्का के उस पार्ट में जहाँ पे मेन श्राइन को यानी देवी देवताओं की जो दरबार होता है उसके मेन श्राइन को कंट्रोल किया जाता था, कंट्रोल द मेन श्राइन देयर। और वो जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो क्यूब स्ट्रक्चर हुआ करता था, क्या हुआ करता था, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था, लाइक दैट आपने क्यूब बनाई भी होगी, इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता था। इस स्ट्रक्चर को मेन श्राइन कहा जाता था, उसको कंट्रोल करते थे मक्का के एक पार्ट में, वहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो बिलोंग करते थे, और इस जगह को यानी ये जो क्यूब शेप स्ट्रक्चर हुआ करता था इस जगह को कहा जाता था काबा, क्या कहा जाता था, काबा कहा जाता था, KABA। तो ये जो काबा थे ना, काबा जो जगह थी वहाँ पे क्या थी, आइडल्स की वर्शिप की जाती थी, यानी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। जैसे हम मंदिर वगैरह में चले जाएं तो वहाँ भी आइडल्स रखे जाते हैं, तो उन आइडल्स की पूजा की जाती थी, और साथ ही साथ जो लोग होते थे वो भी क्या कर, अगर किसी और रिलीजन को वो पूजते थे तो उनके जो आइडल्स हुआ करते थे या उनके पास जो आइडल्स हुआ करते थे वो अपने आइडल्स को भी यहाँ लाकर रख दिया करते थे, और फिर उनकी क्या करते थे, पूजा करने आया करते थे। तो जिस टाइम पे वो पूजा करने आया करते थे ना और जाया करते थे, उस टू टाइम पे, यानी उस टू टाइम को, या हम कह सकते हैं पिलग्रिमेज को, उस पिलग्रिमेज को क्या कहा जाता था, हज कहा जाता था। हज आपने सुना होगा, हमने एक मुहावरे जब हम हिंदी पढ़ते थे तो एक मुहावरा भी किया था कि सो चूहे खा के बिल्ली हज को गई। हज मतलब एक ऐसी होली प्लेस जहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। तो काबा में जब भगवान की पूजा की जाती है और वहाँ के वहाँ पर जो लोग आकर पूजा करते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, हज कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम धर्म से रिलेटेड थी। और ये जो हज था ये काफ़ी ही होली प्लेस यानी बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है मुसलमानों के अकॉर्डिंग और सभी धर्म के अकॉर्डिंग, यानी कोई भी हम अगर किसी भी रिलीजियस प्लेस पे चले जाएं तो वो हमें काफ़ी पवित्र ही मानी जाती है, हम उसे पवित्र मान के ही अंदर जाते हैं। तो ये भी काफ़ी होली प्लेस माना गया था। तो आज हमने जो बातें की वो क्या बातें की, यानी हमने जो डिस्कशन किया वो क्या किया कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो कौन थे, यानी वो एक अरेबियन थे बाय कल्चर बाय वे ऑफ टॉकिंग, और प्रोफेशन से वो मर्चेंट थे, वो मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर आए थे यानी जिसे हम रसल कहेंगे। कुछ हमने मुस्लिम्स वर्ड्स भी सीखे, हमने ये भी सीखा कि मुस्लिम जो थे वो अमर्ज कैसे हुए, किन लोगों को मुस्लिम कहा जाता था, हज क्या होता है, ये सारी बातें हमने आज सीखी। तो आई होप इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। Tomorrow we will discuss a long topic. If you have any doubt, please let me know. And otherwise, if you understood this topic, don't forget to pray. See you soon in next video. Thank you.